हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। आफ्टरनून, एक मिनट। आपको आवाज क्लियर है कि बैकग्राउंड को नॉइस भी आ रही है क्या? सर क्लियर है। सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। बस एक मिनट स्टार्ट कर रहे हैं। सबको स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ अब ट्वेल्थ में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो ट्वेल्थ का एक टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इस पे से आता है। चैप्टर ऐसा है कि अगर इसमें जनरली अगर एवरेज टाइप का ही क्वेश्चन आता है जो हो जाना चाहिए, लेकिन अगर टफ आता है तो उसका लेवल बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो आपसे बस यही है कि आप इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है? सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से दिमाग में रखिए, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज पता होगी तो इसके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ठीक है, कभी कभी दिखने में बहुत आसान दिखता है चैप्टर, लेकिन इसमें लेवल ऑफ द क्वेश्चन अच्छा आ जाता है। तो वो भी हो सकता है अगर आपको सही तरीके पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और आपने सारी वेरायटी अगर कवर कर रखी है। तो अपन कोशिश यही करेंगे कि लगभग सारी वेरायटी इस चैप्टर की कवर कर लें। आप भी इसके शॉर्ट नोट्स प्रॉपरली बना लो, और वो शॉर्ट नोट्स और सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हुए सारी प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो इसके भी आपके कम से कम एक या दो क्वेश्चन इसके आएंगे, इसे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मिला के। मतलब 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों के मिला के। ठीक है, तो आपको ये टारगेट करना है कि एटलीस्ट इसका भी हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात, जो सीक्वेंस इन सीरीज हमने किया है उसकी एक और प्रैक्टिस इस बार सैटरडे को, जैसे संडे को आपका टेस्ट है, तो इस सैटरडे को हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर की वापस से प्रैक्टिस करें प्रॉपरली। ठीक है, मतलब उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्वाड्रेटिक और उसके, थोड़ा सा शायद आज इसमें पेन टैप में इश्यू आ रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक और उसके हम सीक्वेंस एंड सीरीज की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे सैटरडे को, ताकि संडे का आपका पेपर अच्छे से जाए। ठीक है, तो इस बार पेपर प्रॉपरली देना। ठीक है, पेपर बन गया, अच्छा पेपर है। ठीक है, तो संडे को जो पेपर है वो 3 घंटे का ही होगा, इस बार थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू के कारण 2 घंटे का पेपर हो गया। तो इस बार पूरा ट्राई होगा कि 100% एरर फ्री पेपर आए। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना, अच्छे से तैयारी करके उस पेपर को देखना और अपना एनालिसिस करना। तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर मैट्राइसिस। ध्यान से सुनते जाना, डाउट्स हो पूछते क्वेश्चंस में भी सर मिस टाइपिंग होती है सर। हाँ, हो जाता है, वो इस बार हो गया था, अगली बार ट्राई करेंगे कि एरर कम से कम आए। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट। मैट्राइसिस में देखो, ये लगभग सारे टॉपिक हैं जिनको हमको कवर करना है अगले दो या अगले 1 से 2 लेक्चर में, ये सारा कवर हो जाएगा। मैट्राइसेस में पहले डिस्क्राइब करेंगे उसके टाइप, फिर उसका एलजेब्रा रिलेशन बीच में, फिर ट्रांसपोज को अच्छे से पढ़ना है, एडजॉइन को अच्छे से पढ़ना है, और एक लीनियर इक्वेशन। जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तीन है, एक तो एलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स और इसकी प्रॉपर्टीज, और एडजॉइन और उसकी प्रॉपर्टी, और इनवर्स और उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मेजर आपके ज्यादातर जिससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, लेकिन इनका इनिशियल बेसिक भी पता होना चाहिए, तभी जाके इन पे हम उनके क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर पाए, इसलिए इनके बेसिक को भी करना बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैट्रिक्स को डिस्क्राइब कर देता हूँ। मैट्रिक्स क्या है वैसे, आप कोई बता पाओगे? आपने पढ़ रखा है तो बताओ क्या है मैट्रिक्स, मतलब किसको? सर हाँ बताओ, मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। वेरी गुड। एक किसी डेटा को या नंबर्स को किसी भी को या अपन रोज और कॉलम की मदद से अरेंज करने का जो पैटर्न होता है उसको मैट्राइसेस होते हैं।
ठीक है, जनरली आप अब देख भी रहे हो आजकल डेटा साइंटिस्ट के बारे में बहुत कुछ चल रहा है, डेटा के बारे में बहुत कुछ, क्योंकि डेटा हर जगह है, तो स्टैटिस्टिक्स और मैट्रिसेस कंबाइन होकर बहुत अच्छी फील्ड बना रहे हैं। तो ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रोज और कॉलम का यूज करते हैं, फिर उसका एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और इसके काफी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है जो हम मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने ऑलरेडी देख रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैट्रिसेस का एक तरीका होता है, राइट। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें और, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है, एक मिनट। ठीक है, आवाज क्लियर है ना सबको? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको ये बताया था कि मैट्रिसेस वगैरह क्या होता है। तो वही अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द रोज इन द कॉलम, इसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसका ऑर्डर जनरली इस तरह से लिखा जाता है, एम क्रॉस एन, जहां पे एम क्या होता है, रोज, नंबर ऑफ, वेरी गुड, नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज, और बाद में एन क्या होता है, टोटल कॉलम, कॉलम, वेरी गुड। ये होता है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर, जहां पे ये होती है नंबर ऑफ रोज, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अगेन बहुत आसान है, अलग अलग टाइप्स के मैट्रिसेस वैसे बहुत सारे हैं। इनिशियल बेसिक लेवल पे अगर हम देखें तो ये कुछ है मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस बता दो, रो मैट्रिसेस किसको बोलेंगे? इसमें कॉलम नहीं होते? नहीं नहीं कॉलम तो होता है, एक रो होती है सिर्फ। हाँ, जिसमें सिर्फ एक रो होती है, हाँ ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। कॉलम तो होंगे, सिर्फ को बिना कॉलम के कैसे चलेगा? तो 2, 3, 1, -7, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, और कॉलम कितने, कितने भी हो सकते हैं 4, तो इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, हाँ ना। yes, बोलो, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जल्दी बताओ। इसमें सारे एलिमेंट जीरो, सारे एलिमेंट, हाँ, जिसमें सारे एलिमेंट जीरो, वो मैट्रिक्स इसका ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, वेरी नाइस। कॉलम मैट्रिक्स सर, इसमें कॉलम एक हो, हाँ, जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स, ये पढ़ा है क्या? नो सर। ठीक है, ये हटा भी दो, वैसे सिलेबस में है भी नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स सर, एम एन टू एन इक्वल हो, हाँ, जिसके रोज और कॉलम दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये एम क्रॉस एम कर दो, जैसे यहाँ पे मान लो मैं 3x3 कुछ बोल दो, ये जनरली यही काम आता है। ये बाकी सब सिर्फ नाम के लिए बहुत ही कम यूज होता है, अल्टीमेटली आपको सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिक्स की पढ़नी, क्लियर है? आया ना, आपको पता भी होगा, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हम थोड़ा सा आगे और डिटेल देख लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे करते हैं। अल्टीमेटली इसके अंदर क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होनी चाहिए, सेम, और एलिमेंट की नेमिंग कैसी होती है, देखो A11 है ना, फिर बोलो क्या आता है, A12, फिर A13, वेरी गुड। इसी तरह से ये हो जाएगा A21, A22, A23, और यहाँ पे भी हो जाएगा A31, A32, A33, है ना। मतलब पहले आप लिखते हो रो नंबर, फिर आता है कॉलम नंबर। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उनकी नेमिंग, एलिमेंट्स की नेमिंग क्या आ रही है, A11, A22, A33, मतलब ये अगर Aij के टर्म्स में मैं बोलूं तो i और j क्या होगा, सेम होगा डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, है ना? यस सर। यस सर। तो डायगोनल मैट्रिक्स i और j क्या होता है, सेम, A11, A22, A33, तो ये एलिमेंट्स, अच्छा डायगोनल एक ही होता है, ध्यान रखना। जनरली इसको भी बच्चे बोलते हैं ये भी डायगोनल है क्या, नहीं, मैट्रिसेस में सिर्फ एक ही डायगोनल हम कंसीडर करते हैं, ये वाला हम डायगोनल कंसीडर नहीं करते। अब यहाँ पे ऊपर वाले में देखोगे तो यहाँ पे बताओ, ये जो ऊपर के तीन एलिमेंट है इसमें i की वैल्यू ज्यादा है कि j की वैल्यू ज्यादा है? j, वेरी गुड। तो i यहाँ पे लेस देन j है, और यहाँ पे नीचे वाले एलिमेंट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो i ग्रेटर देन j, i ग्रेटर देन j, वेरी गुड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि नीचे डाउनवर्ड्स में i इज ग्रेटर देन j, अपवर्ड में i इज लेस देन j, एंड यहाँ पे i और j आपस में क्या होता है, बराबर, मतलब बेसिकली i j मतलब ये रो नंबर और कॉलम नंबर, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, यस सर। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ लिया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कुछ अच्छे टाइप होते हैं जो हमको जनरली याद रखने रहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की मैं अगर बात करूं तो उसमें एक होता है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी दो टाइप होते हैं, एक सेकंड है, क्या हो गया, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है, बताओ, अपर ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, वेरी गुड। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, लोअर ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें ऊपर के जो ट्रायंगल बनता है उसमें सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं?
अच्छा चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो यहां पे लिया 2, 3, 1, 5, 7, 8, 0 और यहां पे लिया 0, 0, 0, तो बताओ ये अपर है कि लोअर है? सही अपर है। अपर है सर। वेरी गुड। जिसमें सिर्फ एलिमेंट अपर वाले में हो तो इसको क्या बोलते हैं? अपर ट्राइंगल। और लोअर वाले एलिमेंट क्या हो? जीरो। लोअर ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? जिसमें एलिमेंट सिर्फ कहाँ पे हो? लोअर में, और अपर में क्या हो? जीरो। क्लियर है? यस सर। यस सर। थोड़ा सा स्पेंटेप का इश्यू कल तक मैं सॉर्ट कर लूंगा, एडजस्ट कर लेना, है ना? समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। ओके चलो, ये आपका अपर ट्राइंगल हो गया, लोअर ट्राइंगल हो गया। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बताओ? बच्चे क्या बोलते हैं कि सर अपन डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं बोलते कि डायगोनल को छोड़ के बचे हुए सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो मैट्रिक्स को डायगोनल। तो क्या डायगोनल में जीरो अलाउड है कि नहीं? हाँ, डायगोनल में भी जीरो हो सकता है ना? यस सर। यस सर। अपर ट्राइंगल में भी कोई एलिमेंट जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऊपर में हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, हो सकता है सारे भी जीरो तो भी अपन बोल सकते हैं। तो ये अच्छा, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, ये अपर ट्राइंगल भी और ये लोअर ट्राइंगल भी है ना? यस सर। तो ध्यान रखना, अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल में ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर एलिमेंट जीरो ना है, यहाँ पे भी जीरो आ सकता है, डायगोनल में भी एलिमेंट जीरो आ सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या डायगोनल की? कि डायगोनल के अलावा, अब यहाँ पे कुछ भी हो डायगोनल में, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे जीरो होने चाहिए, है ना? यस सर। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और डायगोनल का भी एक स्पेशल टाइप, अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर, है ना? यस सर। अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल हो गए तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, और वो सारे एलिमेंट अगर वन हो गए तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, बाकी लोग भी बोलते रहना, कहीं नहीं समझ में आए तो पूछते रहना, ठीक है? बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में हम देखेंगे। 1.5 घंटे का ही लेक्चर है, लेकिन 1.5 घंटे के लेक्चर में आपको बहुत सारा सीखने को मिल जाएगा एक ही लेक्चर में। इसलिए ध्यान से सुनते जाना और बोलते जाना कहीं पे भी डाउट आए तो। ठीक है, चलो स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने पढ़ लिया लोअर ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? क्लियर है ना? ठीक है, अब एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम ये बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब हर एक एलिमेंट उनका इक्वल होगा। सिर्फ इतना सा होगा क्या, या फिर और भी कुछ होना चाहिए? इक्वल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज और नंबर एम और एन। हाँ, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना? यस सर। तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? इक्वल, है ना? इक्वल। जैसे अगर मैं ये बोलू 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे बोलू मैं 1, 2, 3, 4, क्या दोनों इक्वल मैट्रिक्स है? एलिमेंट सारे सेम है, बोलो। नो सर। ऑर्डर भी सेम है एलिमेंट्स में, लेकिन इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि करस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखो, इस पे दो अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। आपने स्टार्टिंग की क्लास करी थी बेसिक मैथ की? यस सर। उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, अब उस प्रॉपर्टी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। चलो पहले तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या करेंगे। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर व्हिच द मैट्रिक्स आर इक्वल। सर एक्स की, हाँ बताओ, सब लोग ट्राई करो। एक्स कितना आ रहा है और वाई कितना? एक्यूरेट आंसर बताना, ठीक है? एक्स की वैल्यू आपने बताई 2, ठीक है, वाई की वैल्यू बताओ। सब लोग ट्राई करो, समझ में आ रहा हो? जिसको नहीं समझ में आए पूछ लेना। बताओ वाई कितना आ रहा है, बोलो। दो वैल्यू आ रही है। तो दोनों लेंगे कि कोई एक लेंगे? एक लेंगे। दोनों भी ले सकते हैं क्या, बताओ? तो कौन सी लेंगे? आपको तो मेन यही बताना, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे? क्या दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं या कोई एक ही कर पाएंगे? यहाँ से y की वैल्यू क्या क्या रही है बताओ, फर्स्ट वाली इक्वेशन से, इस इक्वेशन से 1 और 2। वेरी गुड। और यहाँ से y की वैल्यू क्या क्या रही है? 2 और 3। तो हम यहाँ पे बताओ फाइनल आंसर में क्या लिखूं y का? सेट 2। वेरी गुड, सिर्फ 2, ध्यान रखना, क्योंकि 2 ही वो है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, है ना? अगर 1 ले लूंगा तो यहाँ तो सेटिस्फाई कर देगा, यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना? तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? इनका इंटरसेक्शन। क्लियर है?
बोलो सर क्या वाई की वैल्यू 3 अलाउड है? नो सर नो सर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो लेना, ये चीज ध्यान रखना। चलो क्लियर है सबको ये? यस सर। अगली वैरायटी, अब इस पे थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ ये मैंने चीज आपको थोड़ा सा वहां पे सिखाया था बेसिक मैथ में, अब देखते हैं किसको याद है। इसको इक्वेट करो, बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। और सब लोग ट्राई यहाँ पे तो सिंपल 2x1 का मैट्रिक्स है, तो ऊपर वाला पार्ट ऊपर से इक्वेट अगर कर दें, एक मिनट मैं इसको चेंज करता हूँ, ट्राई करता हूँ। करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है, ट्राई कर रहे हो? यस सर यस सर। पीपीटी में दिक्कत आई थी, तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, याद आ गया मतलब आप लोगों को। मैंने आपको सिखाया था याद है, पावर फोर वाला हो जिसमें अगर इनिशियल आगे से पीछे से कोएफिशिएंट्स अगर सेम होते हैं तो हम एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, याद आ गया सबको? यस सर। ये फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया था मैंने बेसिक मैथ की, तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे 3x² माइनस बेसिकली इक्वल टू ये करोगे तो -2x+1=0 है ना? तो देखो यहाँ पे इक्वल टू बनाए, हाँ क्या हुआ टी की वैल्यू 1 आ रही है, क्या है रहा? x की वैल्यू की t मतलब जो भी, हाँ t की वैल्यू आपको x निकालना है। तो यहाँ पे ये और ये क्वेश्चन सेम है, ये सेकंड और सेकंड लास्ट क्वेश्चन सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड बाय x स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे डिवाइड बाय x स्क्वायर, जिससे जैसे आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो देखो ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2/x और +1/x² इक्वल टू 0। इसके बाद हम इन टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक मिनट है इसको थोड़ा सा मैं पहले ठीक करता हूँ पीपीटी को। टी की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बताओ? वन आ रही है, तो एक्स कितना आएगा? एक्स रियल होगा ही नहीं, रियल नहीं होगा सर। आंसर क्या बोलोगे? नो रियल सॉल्यूशन है ना? यस सर। ठीक है आप समझ पा रहे हो, बाकी लोगों का आंसर आ रहा है? एक मिनट तब तक मैं इसको पीपीटी को ऑन कर, बोलो मैं बता रहा हूँ एक सेकंड ना, वापस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नो सर नहीं आया, ठीक है एक मिनट रुको। ठीक है ये देखो ध्यान से, यहाँ पे सॉल्यूशन खेल दे रखा है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे, जैसे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे ये वाली टर्म को साथ में कलेक्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x². ठीक है एक मिनट में यहीं पे बता देता हूँ। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को साथ में कलेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एक साथ कलेक्ट हो जाएगा, और जो बची हुई टर्म है -2x+1/x एक साथ कलेक्ट हो जाएगा और कॉन्स्टेंट टर्म अलग कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है आज पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर ये टर्म आ गए, फिर इसको साथ में कलेक्ट कर लिया और इसको साथ में कलेक्ट कर लिया। ऐसे इक्वेशन जब भी बनता तो आपको मैंने ये सिखाया था कि x प्लस 1/x को क्या आप क्या मान सकते हो, t मान सकते हो। ठीक है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो कितना आएगा वो, x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 है ना? यस सर। ठीक है तो इसकी जगह आप इसको वैसे रिप्लेस कर दोगे तो सब पूरी इक्वेशन x प्लस 1/x के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको आप t मानोगे तो t में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसको सॉल्व करने पर t की वैल्यू 1 आ रही है। मतलब बेसिकली x प्लस 1/x जिसको हमने t माना था उसको अगर 1 से इक्वेट करेंगे तो वहां से जो क्वाड्रेटिक आएगी उसका d क्या आएगा, लेस देन 0,
और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि x plus 1 by x हमेशा कैसा होता है greater than greater than 2. या तो greater than 2 होगा या फिर less than 2 minus आया ना yes sir अगर x negative हुआ तो less than minus 2 और x positive हुआ तो हमेशा greater than क्या होता है 2 होता है कभी भी minus 2 और 2 के बीच में नहीं आता वैसे भी इसको आप quadratic बनाओगे उसका d less than 0 का तो यहां से हम क्या बोलेंगे no real solution ठीक है तो ऐसे equation जब भी आए ध्यान रखना x x कैसे ध्यान रखोगे यहां पे देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है इसको इधर भेजोगे तो इसका कोएफिशिएंट 1 है फिर इसका कोएफिशिएंट -2 इसका भी कोएफिशिएंट -2 तो आप क्या करोगे x स्क्वायर से डिवाइड करोगे इसको साथ में कलेक्ट करोगे इसको अलग रखोगे फिर x स्क्वायर + 1 / x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं x + 1 / x का होल स्क्वायर -2 ठीक है फिर x + 1 / x को हम क्या बोल देंगे t बोल देंगे x + 1 / x को आप t बोलोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आया समझ में अब यस सर यस सर ओके एक बार और घर पे ट्राई कर लेना अब देखो ये वाला इस ये भी मैंने आपको सिखाया था इस पे भी एक आइडेंटिटी थी अब याद करके बताओ इसमें p q और r में रिलेशन डेवलप करना है अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल तो करो ट्राई अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो p q r में क्या रिलेशन होगा सर 2p इक्वल टू 4q इक्वल टू r हां वेरी गुड क्या रिलेशन बन रहा है वैसे यहां पे कौन सा फार्मूला लग रहा है आपको ये बताया था जैसे x स्क्वायर या फिर a स्क्वायर के टर्म्स में a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर -ab -bc - ca अगर ये 0 होता था तो हमने क्या सीखा था a equal to b equal to c हां है ना यस सर याद आ रहा है ये स्टार्टिंग में आइडेंटिटी बनाई थी कि अगर a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर -ab -bc - ca अगर ये 0 है तो a equal to b equal to क्या होगा c होगा और यहां पे भी यही दिया है इसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो फर्स्ट वाला टर्म क्या बन जाएगा 2p का होल स्क्वायर सेकंड वाला टर्म क्या बन जाएगा 4q का होल स्क्वायर थर्ड वाला टर्म बन जाएगा r स्क्वायर और फिर बाकी बाद में इन सब पे प्रोडक्ट गिवन है तो अगर ये 0 होता है तो अपन क्या बोलते हैं a = b = c हां है ना याद आ रहा है यस सर तो ये दोनों जगह देखो यहां पे प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करवा दी जो स्टार्टिंग अपन ने फर्स्ट लेक्चर में सीखी थी बेसिक अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है कि अगर ये दो आइडेंटिटी है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर - ab - bc - c अगर 0 होता है तो a = b = c तो यहां से p q r में एक रिलेशन आ जाएगा ये दो छोटे एग्जांपल थे कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके करस्पोंडिंग एलिमेंट सारे इक्वल होना चाहिए उनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए यहां तक कोई डाउट नो सर नो सर ओके नाउ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले एडिशन एडिशन आपको पता ही है एडिशन कैसे करते हैं करस्पोंडिंग एलिमेंट को करस्पोंडिंग के साथ ऐड करेंगे है ना जैसे इन दोनों को ऐड करना है अगर तो सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए पहली बात 2 को ऐड होगा 5 के साथ 3 ऐड होगा 1 के साथ -4 ऐड होगा 5 के साथ है ना बोलो आता है ना यस सर सब्सट्रैक्शन भी कर लोगे करस्पोंडिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे करस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करोगे ये आपको बेसिक पता ही होगा ठीक है चलो अब कोई कांस्टेंट अगर k मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट k क्या होगा सबके साथ मल्टीप्लाई है ना और मान लो कॉमन भी निकालना तो पूरे में से कॉमन आएगा तो दोनों चीज आपको ध्यान रखना है अगर मैट्रिक्स के केस में ध्यान रखना मैट्रिसेस के केस में कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं और कॉमन भी निकालेंगे तो सारी रो सारी कॉलम से कॉमन निकालेंगे और डिटरमिनेंट में उल्टा होता है डिटरमिनेंट में क्या होता है रो एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है अगर डिटरमिनेंट में अगर मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करते हैं वही मैट्रिसेस में सारी रो या सारी कॉलम से करते हैं ठीक है तो ध्यान रखना है नेक्स्ट जैसे यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है ए दिया है बी दिया है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स निकाल पाओगे 3a करोगे 2b करोगे 3c करोगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है घर पे एक बार ट्राई कर लेना सॉल्यूशन भी दिया होगा जिसको प्रैक्टिस नहीं हो प्रैक्टिस कर लेना ठीक है चलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में हमको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि उनका एक तो ऑर्डर जब भी वो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे तो पहली चीज मान लो ये पहला मैट्रिक्स है ऑर्डर इसका m क्रॉस n दूसरे का ऑर्डर है p क्रॉस q तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए ऑर्डर में इन दोनों के n इक्वल टू p हां वेरी गुड ये वाला और ये वाला आपस में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए मतलब n की वैल्यू p की क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए तभी हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे हां है ना यस सर सबको याद है ना और ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा m by q m क्रॉस q m क्रॉस q वेरी गुड आपको मल्टीप्लाई करना आता है दो मैट्रिक्स को यस 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 सर चलो तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा करो ट्राई क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएंगे पहली बात यस सर हां हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या रहेगा सबसे पहले देखो कभी भी करो ना ऑर्डर पता करो ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 2 वेरी गुड 1 क्रॉस 2 मतलब एक रो और दो कॉलम तो आपको क्या करना इसी एक रो को इन दोनों करस्पोंडिंग कॉलम से क्या करना है मल्टीप्लाई है ना अब इसको फिक्स कर लो ये रो फिक्स हो गई आपकी इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके दो एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, एक एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे आएगा। बताओ क्या आएगा आंसर? सबसे पहले इसको इसके साथ करेंगे तो देखो वन, फिर जीरो, वन प्लस जीरो जीरो, सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन प्लस ट्वेल्व नाइनटीन, नाइनटीन आ रहा है क्या? चेक करो। यस सर, यस सर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो वन इंटू वन वन, वन प्लस जीरो, फिर ये भी जीरो, फिर ये थ्री, तो वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा? फोर। हाँ यस सर। ओके वेरी गुड, चलो ये कर दो। क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएंगे? यस सर। क्या ऑर्डर? नो सर, थ्री बाय थ्री। ये भी वन है, ये भी वन है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या ऑर्डर बनेगा? थ्री क्रॉस थ्री। तो आप देखो यहाँ पे थ्री क्रॉस थ्री है, तो पहली फर्स्ट रो को, पहली रो निकालने के लिए पहली रो को पहले तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ है ना? Yes, तो पहली रो के एलिमेंट क्या क्या होंगे जल्दी से? So, one, two, four. One, two, four. Second row के एलिमेंट? One, two, four. One, two, four. One, two, four. Third row? Zero, zero. Zero, zero, zero. Zero, zero, zero. बहुत बढ़िया। तो आई थिंक आपको मल्टीप्लीकेशन आता है बेसिक, तो आप एक बार वो घर पे ट्राई कर लेना। चलो अब यहाँ पे जैसे दिया एक और क्वेश्चन कि a प्लस b दिया, a माइनस b दिया, और पूछा a क्यूब, तो कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ, दो, इस दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। हाँ है ना? Yes, sir. दोनों को ऐड करने पे मेरे पास a आ जाएगा। Yes, sir. और फिर a से a क्यूब कैसे निकालेंगे? पहले a स्क्वायर निकालेंगे, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ है ना? और फिर a निकालेंगे, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे। कर पाओगे आप ये सॉल्व? Yes, yes, sir. Yes, sir. ये कर भी रखा है, घर पे प्रैक्टिस कर लेना, जिसको डाउट हो तो आंसर भी मैच लेना, ठीक है? चलो अब जनरली ये देखा गया कि मैट्रिसेस कम्यूट नहीं करते, तो इन जनरल लिखा, तो कभी कभी आंसर आ भी सकता है करेक्ट और नहीं भी आ सकता। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी और उनका प्रोडक्ट, ए और बी का प्रोडक्ट और बी और ए का प्रोडक्ट करें, तो क्या ये हमेशा इक्वल हो सकता है क्या? नो सर, इन जनरल ये इक्वल नहीं होता। मतलब हो सकता है कभी कभी इक्वल हो, लेकिन कभी कभी इक्वल नहीं भी होता, तो इसलिए आप इसको ये नहीं बोलोगे कभी भी कि दे आर इक्वल। हो सकता है इक्वल हो सकता है इक्वल ना हो, तो ध्यान रखना ए और बी का प्रोडक्ट और बी और ए का प्रोडक्ट अलग अलग भी आ सकता है। क्या बात समझ में आती है? यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, ए और बी का प्रोडक्ट और बी और ए का प्रोडक्ट अलग अलग आ सकता है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, जल्दी से ट्राई करके बताओ, ए बी का प्रोडक्ट ए के बराबर है, बी ए का प्रोडक्ट भी बी के बराबर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी इनके टर्म्स में? दो कंडीशन गिवन है आपके पास, ए इंटू बी का प्रोडक्ट क्वेश्चन में ए के बराबर दिया हुआ है, फिर बोला गया बी इंटू ए का प्रोडक्ट बी के बराबर दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर का टर्म जो पूछा गया है उसकी वैल्यू क्या होगी? कर लो ट्राई। सर ए स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है देखते हैं। तो क्या किया आपने, कैसे किया बोलो? सर स्क्वायरिंग कर लो ना, ऐसा कभी मत करना, ये क्या नंबर्स थोड़ी जो स्क्वायरिंग कर दोगे? स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्या मैट्रिक्स में? नो सर, स्क्वायरिंग नहीं, उसको सेम टाइम डबल बार मल्टीप्लाई कर सकते हो वो अलग बात है, लेकिन स्क्वायरिंग वगैरह मत करना। तो देखो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर का क्रिएट करना है ना, तो मल्टीप्लाई भी ऑर्डर भी सेम होना चाहिए मल्टीप्लाई करते टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना। देखो अब ये बी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आगे की तरफ से, तो अगर मैं यहाँ पे मान लो आगे की तरफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी आगे ही लिखना पड़ेगा। हाँ है ना? यस सर, यस सर। मान लो यहाँ पे लिखता तो इधर भी इधर लिखना पड़ता, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या टर्म क्रिएट हो जाएगी, बी इंटू बी इंटू बी इंटू ए। हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. ये yes, b into b को आप मैं b square लिख सकता हूँ, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. मुझे निकालना था, ठीक है ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब b a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, b b, तो b a की जगह तो खैर b आ जाएगा, फिर वापस वही हो जाएगा, फिर और कुछ सोचना पड़ेगा। और बताओ और क्या करें, यहाँ पे मेरे को ए बी क्रिएट करना है, तो अगर देखो क्योंकि वापिस अगर मैं इसकी जगह बी लिखूंगा तो बी स्क्वायर को तो बी आएगा, तो इससे तो मेरी इक्वेशन नहीं बनेगी, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाली इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में क्या करें बताओ, या फिर एक काम करते हैं ना, इधर जो बी से मल्टीप्लाई मैंने किया वो पीछे से की टाइप से करते हैं ताकि ए बी क्रिएट हो जाए। हाँ है ना? Yes, sir. यहाँ पे बी ए है और यहाँ पे भी बी है, मैंने यहाँ पे जब बी से मल्टीप्लाई किया तो फायदा नहीं हो रहा था, यहाँ पे आगे आगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ आगे की साइड, तो यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. इधर क्रिएट हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ए ए। हाँ है ना? ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए, और बी ए को वापस क्या लिख सकते हैं, बी बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बी के बराबर, तो आंसर बी आएगा। क्लियर है?
यस सर। डायरेक्ट स्क्वायरिंग मत कर देना, गलत हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस ओके चलो। अब अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो फॉर्मूला होता है, एक चीज और यहाँ पे जैसे मुझे सिखानी थी कि जनरली कम्यूट तो नहीं करता, तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये कितना होगा? अब जब स्क्वायर की बात आ गई थी तो बताओ इसको कैसे लिखोगे? क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर? नो सर। यस सर। लिख सकते हैं? यस सर। नो सर। नहीं सर। नो सर। नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इक्वल जनरली होता नहीं है। तो आपको अगर मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखना तो कैसे लिखोगे? सर पहले a प्लस बी निकाल लेंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। वो थोड़ी कर सकते हो, वापस गलत बोल दिया। a प्लस बी को ही दो बार मल्टीप्लाई करोगे, ये बोलोगे, हाँ है ना? यस सर। अगर नहीं कर सकते स्क्वायर करते तो फिर ये करेक्ट हो जाता। तो a प्लस बी को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, अब ये कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस ab है ना प्लस ba प्लस b स्क्वायर, हाँ है ना? यस यस सर। अगर मान लो इन केस अगर कोई ऐसा केस होता कि ab और ba इक्वल है, मान लो अगर कम्यूट करते किसी पर्टिकुलर केस में, इफ ab और b अगर इक्वल हो जाते तो मैं वो वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता था क्या? यस सर। हाँ, अगर मान लो ab और ba इक्वल होते तो मैं इसको फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देता कि a plus b का होल स्क्वायर मेरा कितना हो जाता, बोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ध्यान रखना ये वाला फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब कम्यूट करें, है ना? जब ab और ba आपस में क्या हो, इक्वल। तो अगर मान लो ab और ba आपस में इक्वल हो तो क्या मैं a plus b का होल क्यूब भी अप्लाई कर सकता हूं? यस सर। यस सर। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जो जनरली याद नहीं रहती, याद रखना। फिर फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3 बी क्यूब ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, हाँ है ना? यस सर। ये ध्यान रखना, याद रख लोगे ना? यस सर। तो ये कम्यूट वाली प्रॉपर्टी हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब बेसिकली आपस में कम्यूट हो, ये फॉर्मूला अप्लाई, अदरवाइज आपको दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई दोनों में? यस सर। बाकी लोगों को किसी को डाउट तो पूछो। यहाँ पे मैंने क्या सिखाया कि ए बी और बी ए जनरली इक्वल नहीं होते, इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर पूछा है आपको तो ए प्लस बी को दो बार मल्टीप्लाई ऐसे करना। लेकिन अगर मान लो कम्यूट कर रहे हैं कि ए बी और बी ए इक्वल है तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बोला कि इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए शो दैट आई प्लस ए का होल क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 7। ये आपको इसके बराबर प्रूव करना, कंडीशन क्या गिवन है, ए स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आई प्लस ए का होल क्यूब। इसको कैसे ओपन करेंगे? क्या एक दूसरे को कम्यूट करते हैं, आई प्लस ए, आई और ए? यस सर। यस सर। है ना, आई आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करो या ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। यस सर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, करो अप्लाई और बताओ फाइनल आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके बराबर। करो, आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। यस सर, हो गया। हो गया? वेरी गुड। यस सर, करेक्ट है। करेक्ट है, मतलब आई प्लस ए का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या, मैंने ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, हाँ है ना? यस सर। प्लस 3 ए इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आप देखो ध्यान से। आई क्यूब को तो मैं आई लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 3a आएगा, हाँ है ना? यस सर। और आई को ए स्क्वायर से तो 3a स्क्वायर प्लस ए क्यूब। तो यहाँ पे मेरे पास बोला गया क्वेश्चन में ए स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है? तो जहां जहां भी ए स्क्वायर उसकी जगह ए लिख देंगे, तो 3a, ये भी हो जाएगा 3a, और ए क्यूब किसके बराबर होगा फिर? स्क्वायर डॉट ए। हाँ देखो, ए क्यूब को मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर इंटू ए, हाँ है ना? और ए स्क्वायर की जगह वापिस ए लिख देंगे तो ये वापस ए स्क्वायर बन जाएगा, और ए स्क्वायर को वापस क्या लिख देंगे, ए। मतलब अगर ए स्क्वायर ए के बराबर तो ए क्यूब भी किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर, हाँ है ना? यस सर। ये आ जाएगा आई प्लस 7, आ गया समझ में? यस सर। ओके ठीक है, तो प्रूफ हो गया हमारा। तो ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है तो ए क्यूब भी ए के बराबर ही आएगा। चलो अब अगला देखो, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, जेईई एडवांस अभी लास्ट ईयर का 2022 में एडवांस में क्वेश्चन आया था, एम दिया हुआ था, मतलब लास्ट ईयर का एडवांस का क्वेश्चन है, और m की पावर 2022। जनरली आप देखते हो ना ऐसे हायर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है?
पहले स्क्वायर निकाले उसके क्यूब निकालेंगे ये बेसिक तरीका तो है ही, लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, अब जैसे यहाँ पे m दिया, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे फिर इसका क्यूब निकालेंगे, लेंथ जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, एक शॉर्ट तरीका और सिखा रहा हूँ, उससे बहुत सी बार काम हो जाता है, उससे कैलकुलेशन भी थोड़ी आसान रहती है। देखो ध्यान से, इस गिवन मैट्रिक्स को मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म्स में और एक किसी और मैट्रिक्स के टर्म्स में तोड़ के देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जिसमें इसमें से आई जब हट जाता है तो ये बचा हुआ जो मैट्रिक्स होता है उसका स्क्वायर और उसका क्यूब निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसमें पैटर्न फॉलो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका स्क्वायर निकालोगे फिर इसका क्यूब निकालोगे फिर इसकी पावर 4 निकालोगे फिर पैटर्न देखने जाओगे थोड़ा तो लेंदी जाएगा, क्योंकि पावर 2020 है। तो मैं जनरली क्या कर रहा हूँ, इसको इसमें तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, तो अगर मैट्रिक्स एम है, एम को क्या दिया हुआ है 5/2। इसको तरीका सीखो ध्यान से, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, ये लास्ट ईयर का, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया यहाँ पे 3/2 - 1/2। इसमें से अगर मैं आई अलग निकाल लूं, आई मतलब बोलो बोलो आई मतलब 1 0 0 1 0 1 प्लस ए, तो बताओ यहाँ पे ए क्या आएगा, ताकि सम 5/2 है, बताओ यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, बोलो क्या है, 3/2। हाँ, 1 ताकि 5/2 बने, 3/2 है ना, 0 में क्या ऐड करूं ताकि 3/2 बने, तो ये भी 3/2 यहाँ पे -3/2 आ जाएगा, है ना? यस सर। और 1 में मैं क्या ऐड करूं ताकि -1/2 आए, -1/2 हां, -3/2 है ना, 1 - 3/2 -1/2 आएगा। यस सर। ठीक है, अब देखो ये, अब ये थोड़ा सा दिखने में आसान है। अब जैसे यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया, I तो अलग है ही, 1 0 0 1, इसमें क्या करें, क्या 3/2 कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना? यस सर। यहाँ क्या बताएगा, 1 1 -1 -1, तो ये आपका ए मैट्रिक्स आ गया, इसको अपन ए नाम दे देते हैं, ये थोड़ा आसान है दिखने में। यस सर। तो इसको मैंने लिखा I+3/2 × A, तो मतलब मेरा जो गिवन मैट्रिक्स था एम उसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, I+3/2 × A। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मुझे क्या निकालना, m की पावर 2022, तो अगर m की पावर यहाँ पे लिख रहता हूँ, यहाँ पे तो नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, m की पावर अगर आपको निकालना है, ध्यान से देखना 2022, इसका मतलब आपको क्या निकालना, बेसिकली I+3/2 A^2022 है ना? यस सर। और ये किस टाइप का एक्सपेंशन है, तो बाइनोमियल जैसा है, बोलो, अरे बोलो, है ना सर? ये किस तरह का एक्सपेंशन है, बाइनोमियल जैसा एक्सपेंशन है, क्योंकि दो टर्म है ना। यस सर। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन देखो, इसको पूरा ओपन नहीं, यहाँ पे समझाने में टाइम लग रहा है, बस एक बार समझ जाओगे तो फिर ये क्वेश्चन बहुत फास्ट होंगे, इसको पूरा ओपन नहीं करना है। देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन थोड़ा बहुत याद है, x+y^n, x+y^n बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, बोलो, NC0 x^n, है ना? यस सर। प्लस NC1 x^n-1 × y, याद आ रहा है थोड़ा बहुत, प्लस NC2, इस तरह से ज्यादा आगे जाता है, ना? यस सर। तो यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ NC0 को जगह C0 भी लिख सकता हूँ, C0 I^2022 प्लस NC1 I × 3/2 A^1 प्लस NC2 I × 2 जो भी, मतलब I^2021 आएगा, यहाँ पे 2022 आएगा, तो 20 आएगा, × 3/2 A^2 और इस तरह से A^2 बढ़ती जाएगी, है ना? बोलो। अब कैसे, अब मैं देखो यहाँ पे ए में पैटर्न ढूंढता हूँ, अब आप निकालो a, a आपको दिया हुआ है, a स्क्वायर कितना आ रहा है पता करो, और a स्क्वायर अगर अच्छा आ रहा तो ठीक है, अच्छा नहीं आ रहा तो फिर a क्यूब पता करो कितना आ रहा है, सब लोग मल्टीप्लाई करो, a आपको दी हुआ है ये, इसको a मान लो अभी के लिए, 3/2 तो चलो ऐसा कैसा रहेगा, इसको a मान लो और पता करो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ, जीरो मैट्रिक्स, जीरो आ रहा है। यस सर। ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया आपने, बाकी लोग भी चेक करो, सर जीरो ही आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो देखो ये तो बहुत अच्छा हो गया, है ना, बताओ। यस सर। ए स्क्वायर जीरो, तो इसके आगे वाले सारे जीरो होंगे, है ना? यस सर। तो इसका मतलब इसके आगे के सारी टर्म जीरो हो जाएगी, बोलो, ये वाली आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ ये दो टर्म, ठीक है, जिसको निकालना मेरे लिए आसान है ना, ये तो निकल गया डायरेक्ट, अब इसका सॉल्यूशन देख लो ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने कैसे दिया, इन्होंने भी हाई से दिया है, देखो m दिया हुआ है, m को तोड़ा i+ something में, है ना?
आई प्लस ए में, इसको ए मान लिया और ए स्क्वायर निकाला तो जीरो आ गया, तो इसका एक्सपेंशन में सिर्फ शुरू की दो टर्म आएगी, बाकी सब क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और शुरू की दो टर्म आप आसानी से निकाल सकते हो। यस ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव इसकी आसान थी कि कैसे आप इसको ब्रेक कर दो आई प्लस ए के टर्म्स में, फिर ए की उस ए की पावर चेक करते जाओ, उस ए की पावर कहीं ना कहीं अगर मान लो जीरो आ जाएगी तो आपका काम हो जाएगा, उसको भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो आगे की टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो, तो शुरू की दो टर्म ही आपको निकालने पड़ेगी। क्या है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, जिसको डाउट हो कहीं सी स्टेप में तो पूछ लो। एम को तोड़ा मैंने आई प्लस एक मैट्रिक्स ए में, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा फिर एम की पावर 2022 भी क्या हो जाएगा, आई प्लस ए की पावर 2022, और इसको ओपन करने का तरीका बाइनोमियल का एक्सपेंशन, सी जीरो इंटू आई, तो आई को लिख नहीं रहा हूं वापिस में, प्लस सी वन इंटू ए प्लस सी टू इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, है ना, तो आगे की सारी पावर क्या हो जाएगी, जीरो, तो आपके पास बचेगा क्या सिर्फ सी जीरो इंटू आई प्लस सी वन इंटू ए, बोलो आया समझ में? यस सर, इन्होंने को ऐड करोगे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के हायर पावर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का इतना आसान तरीका, एक और ट्राई करते हैं, चलो यहाँ पे ये भी 2016 में आया था जेई एडवांस में, एक मैट्रिक्स पी दिया हुआ है, देख लो सब लोग क्वेश्चन ध्यान से, 1 4 16 0 1 4 0 0 1, पढ़ लो ध्यान से, ये मैट्रिक्स पी दिया हुआ है, आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्यू बी को एक मैट्रिक्स से सच दैट, अब देखो क्या रिलेशन की, पी की पावर 50 माइनस क्यू इक्वल टू आई, ठीक है, ये पूछा गया, देन अच्छा यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे इसके कुछ एलिमेंट्स पूछे गए क्यू के, क्यू के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्यू निकालना बेसिकली, तो क्यू क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, पी की पावर 50 माइनस आई है ना, यस सर, यस सर, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की पावर 50 माइनस आई, अब ये पी की पावर 50 कैसे निकालू, अब मेरा मेन टारगेट है पी की पावर 50 निकालना, क्योंकि अगर पी की पावर 50 आ गया तो उसको आई में से माइनस करूंगा तो क्यू मैट्रिक्स आ जाएगा। Yes. हमको एक्चुअली पूछा क्यू मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट का सम पूछा है, यहाँ पे मैं अभी लिख दूंगा क्या पूछा है, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्यू निकालना है, तो क्यू निकालने के लिए बोला गया पी की पावर 50 माइनस आई, अब पी की पावर 50 कैसे निकालें बताओ, पी की पावर 50 कैसे निकालें, ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जैसे अभी सिखाया था, तो पी को ब्रेक कर दो आई प्लस ए में, है ना, यस सर, ब्रेक करो फिर देखो ए की पावर कैसी बनती जा रही, करो ट्राई, चलो करो ट्राई सब लोग, P को ब्रेक कर दो I प्लस A में, और फिर I A की पावर चेक करो कैसी बन रही है, समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया, किसी को नहीं आया समझ में तो वापस पूछ लेना, P को ब्रेक कर दो I प्लस A में, और फिर देखो A में किस तरह से पावर बनी ताकि Q पता चले, तो P को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, दोबारा बता दो, ठीक है वापस बता देता हूं, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया था, देखो ध्यान से, P दिया हुआ था, है ना, बोलो क्वेश्चन समझ में आया, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में P दिया हुआ था, क्वेश्चन में बोला था P की पावर 50 माइनस Q इक्वल टू I बोला है, वो क्वेश्चन पूछा ये एलिमेंट क्या होंगे, मतलब बेसिकली ये जो क्यू मैट्रिक्स है उसके अंदर ये वाला एलिमेंट्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, क्यू मैट्रिक्स, है ना, बोलो, यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा, क्यू को उधर भेज देंगे, आई को इधर भेज देंगे, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की पावर 50 माइनस आई, ठीक है यहाँ तक, अब मुझे पी की पावर 50 निकालना पड़ेगा तभी जाके मेरा काम होगा, तो पी की पावर 50 निकालने के लिए मैं क्या करूँ, पी को तोड़ रहा हूँ, तो पी को हम तोड़ेंगे दो के सम में, एक होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक को बोलेंगे ए मैट्रिक्स, तो पी को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पी मेरे पास क्या गिवन है, देखो ध्यान से, 1 4 16 0 1 4 0 0 1, कैलकुलेशन पी की पावर 50 निकालना, तो एक तरीका तो क्या पी की पावर निकालते जाओ तो कैलकुलेशन उससे टफ जाएगी, एक बेसिक तरीका, दूसरा तरीका क्या, इसको ब्रेक कर दो आई प्लस ए में, तो अगर आई प्लस ए में ब्रेक करेंगे तो देखो ध्यान से, आई तो मैं लिख दूंगा, है ना, बोलो, ए नहीं, ए लिखना पड़ेगा, अब ए इस तरह से लिखना ताकि इन दोनों का सम इसके बराबर आए, आए ना सर, तो ए के एलिमेंट क्या क्या होंगे बताओ, पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या रखो ताकि इसका वन के साथ एडिशन में वन आ जाए, जीरो, जीरो, फिर यहाँ पे जीरो के साथ ऐड करने पे जीरो आ जाए तो ये भी जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, अब देखो ध्यान से अगला, यहाँ पे फोर के साथ क्या, जीरो के साथ ऐड करो ताकि फोर आ जाए, फोर, अगला एलिमेंट जीरो, ये वाला एलिमेंट भी जीरो, ये
फोर और ये जीरो। वेरी गुड। तो आप देख पा रहे हो ये वाला थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा आसान है इससे, है ना? यस सर। तो यहाँ पे ये मेरा मैट्रिक्स ए आ गया, ये मेरा आई आ गया, ये तो ये मेरा आई और ये है। अब ए की थोड़ी मैं पावर कलेक्ट करता हूँ। अब आप निकालो ए ए स्क्वायर वगैरह क्या आ रहा है। तो ए आपके पास पता चल गया, ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है। और ए स्क्वायर ये मान लो आसान आ जाए तो अच्छी बात है, और ए स्क्वायर अगर आसान नहीं आता तो फिर ए क्यूब पता करो कितना आ रहा है। अभी भी डाउट हो किसी को कोई स्टेप में तो वापस पूछ लेना। सबसे पहले जिसकी हायर पावर निकालनी थी इसको तोड़ा मैंने आई प्लस ए में, तो आई अलग हो गया ए अलग हो गया। अब ए की पावर मैं कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि अगर मेरे को उससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो ए स्क्वायर पता करो, और ए स्क्वायर अगर मान लो जीरो आ गया तो ठीक है, और जीरो अगर नहीं आ रहा है तो फिर ए क्यूब पता करो। ए स्क्वायर कितना आ रहा है? एनीवन? फर्स्ट रो जीरो है। फर्स्ट रो जीरो, हाँ, क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। सेकंड रो वो भी जीरो आ रही। और थर्ड रो? थर्ड रो में सर 16 आ रहा। थर्ड रो थर्ड कॉलम नहीं, यहाँ पे कुछ आ रहा होगा आपका। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। ठीक है, मतलब ये जीरो नहीं हुआ, तो मतलब अब ए क्यूब निकालोगे तो सारा जीरो हो जाएगा, है ना सर? तो कहीं ना कहीं मतलब ए क्यूब और ए क्यूब से आगे वाली सारी पावर भी जीरो हो जाएगी, है ना? यस सर। बस अब सॉल्व कर लेते हैं। तो अब पी की पावर 50 पता करो कितना आ रहा है। तो पी की पावर 50 अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, आई प्लस ए की पावर 50। अब इसको बाइनोमियल से एक्सपेंशन करेंगे, एन सी जीरो, एन मतलब 50 सी जीरो, आई की पावर 50, है ना? आता है ना एक्सपेंशन? प्लस 50 सी वन, आई मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आई की पावर 49 इंटू ए प्लस 50 सी टू, आई की पावर 48 इंटू ए स्क्वायर प्लस 50 सी थ्री, आई की पावर समथिंग इंटू ए क्यूब, और सोन इस तरह से चलता जाएगा, है ना? अब ये ए क्यूब और आगे आइटम जीरो हो जाएगी, बोलो। आपको क्या करना है, सब इन तीन टर्म का सम करना है और आपके पास पी की पावर 50 आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है? आपको क्या करना है, शुरू की तीन टर्म का ही सम करना है। इन शुरू की तीन टर्म का सम करोगे तो आपके पास पी की पावर 50 आ जाएगा, बोलो सर। यस सर। बोलो क्या हुआ सर? एक डाउट था सर। पूछो पूछो सर। अगर ए क्यूब जीरो ना आया तो सर फिर करते रहेंगे हम? हाँ देखो, इसका यही तरीका है, या तो आप पी क्यूब से निकालो और जनरली आ जाता है जीरो, क्योंकि अगर क्वेश्चन, अगर देखो दूसरा तरीका क्या है आपका, बेसिक का पी निकालो, पी की पावर पी स्क्वायर पी क्यूब पी की पावर 4, तो वो ज्यादा टफ है ना, है ना? यस सर। इससे अच्छा आप क्या करो, इसको ब्रेक करके ए इस तरह से छोटा सा बना दो ताकि कहीं ना कहीं वो जीरो आ ही जाएगा। क्लियर है? यस सर। लगा देर वास्ते आपको मल्टीप्लाई करते जाओ फिर, क्योंकि अल्टीमेटली पी की पावर 50 की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना आपको। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बनाएगा कि आपको 50 बार मल्टीप्लाई करवाए, फिर तो आपको पूरा पेपर ही खत्म हो जाएगा, है ना? तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो टाइमली सॉल्व हो जाए। क्लियर है? यस सर। इसको सिंपलीफाई कर सकते हो ना, देखो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 50 सी 0 कितना होता है 1, तो ये बनेगा आई। फिर यहाँ पे 50 सी 1 कितना होगा 50, 50 को ए से मल्टीप्लाई करोगे, 50 सी 2 को भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, और तीनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, फिर उसमें से आई सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना? Yes, तो उसके बाद आपके पास क्यू आ जाएगा, फिर क्यू के जो एलिमेंट पूछे उनकी वैल्यू निकाल लोगे। बोलो, अभी किसी को डाउट हो किसी स्टेप में तो जल्दी पूछ लो यहीं पे। सी की वैल्यू कैसे आएगी सर? कौन सी वैल्यू? सी की। सी कहाँ पे सर? ये जो है सी वन, ये तो ये नहीं आता है कि ये तो एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे ना बाइनोमियल में। अच्छा ओके सर। हाँ, एनसीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, वो है बाइनोमियल का एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन भी यहाँ पे गिवन है, घर पे एक बार और ट्राई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, अब था एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ब्रैकेट चेंज, तो ब्रैकेट को चेंज करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान लो एक ए बी सी तीन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी और सी को, तो ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर सी से आंसर निकालो, या पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम। ध्यान रखना ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ए बी सी अगर इसी ऑर्डर में तो आप ब्रैकेट्स चेंज कर सकते हैं, हाँ है ना? ये समझ में आया एसोसिएटिव मल्टीप्लीकेशन में? बोलो
Yes, sir. ध्यान रखना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड गुड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ मैट्रिसेस. ए को सी से भी कर सकते हैं ना सर? नहीं, पहले नहीं कर सकते. अभी यही समझा है ना, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए. अच्छा, जिस ऑर्डर में दिया बस उसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई, सिर्फ ब्रैकेट चेंज कर रहे हो, मैट्रिक्स को थोड़ी चेंज करोगे. क्लियर है? बोलो. यस, ठीक है. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अगेन ए क्रॉस इस तरह से दिया बी प्लस सी. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है कि मतलब पहले ए को मल्टीप्लाई कर दो बी के साथ, फिर प्लस का साइन, ए को मल्टीप्लाई कर दो सी के साथ. हाँ, है ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन अपन करते हैं. बोलो, आ रहा है समझ में? ए क्रॉस बी प्लस सी अगर दिया हुआ है, इसको कैसे ओपन कर दो कि ए क्रॉस बी प्लस ए इंटू सी. आ रहा है समझ में? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी. चलो ठीक है. और आई को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा. है ना, किसी को भी नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स जीरो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वापस नल मैट्रिक्स आ जाएगा. ठीक है. अच्छा एक चीज और बताओ, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो क्या ये जरूरी है ए और बी को जीरो होना? नो सर. नो सर. ए और बी का जीरो होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना. ठीक है, हो सकता है ए और बी मैट्रिक्स इस तरह से कुछ हो ताकि उसका प्रोडक्ट जीरो आ रहा हो, तो ऐसा, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ए और बी को भी जीरो होना पड़े. हाँ, है ना सर. ठीक है. अब रिलेशन बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये भी बहुत काम आता है. डिटरमिनेंट निकालना आता है आपको, कैसे निकालते हैं सर? जैसे मान लो एक सिंपल, मान लो ये है, इसको कैसे निकालोगे? बोलो. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे 2 into minus 3. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो. और 3 क्रॉस 3 का भी आता है डिटरमिनेंट निकालना? यस सर. तो ये अज्यूम कर रहा हूं आपको निकालना आता होगा. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो बहुत काम आती है, जैसे अगर मैं बोलूं कोई मैट्रिक्स है ए बी, कोई मैट्रिक्स है ए और बी, उनका प्रोडक्ट किया मैंने, क्या किया? प्रोडक्ट है ना. बोलो. और इन पे अगर डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, इन पे क्या ले लिया? डिटरमिनेंट. तो क्या ये डिटरमिनेंट अलग अलग हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता है. हाँ, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. क्या आप अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और इस पे होल पे डिटरमिनेंट है, तो आप इसको अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. क्या बात समझ में? पहली प्रॉपर्टी. यस सर. ठीक है. अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया मान लो किसी कॉन्स्टेंट के साथ. क्या मल्टीप्लाई किया? के साथ. अब इस पे मैं डिटरमिनेंट ले रहा हूँ. क्या ले रहा हूँ? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ले रहा हूँ? डिटरमिनेंट. अगर मुझे इस के को बाहर निकालना, मान लो इसका ऑर्डर है एन क्रॉस एन, तो अगर इस के को बाहर निकालना तो के कैसे बन के बाहर आएगा? सिर्फ के बन के बाहर आएगा. लेकिन अगर डिटरमिनेंट में है के ए और पूरे को बाहर निकालना तो के की पावर एन बन के बाहर आएगा. क्या बात समझ में आ रही है? यस सर. ठीक है, तो के की पावर एन बन के वो बाहर आएगा, तो ये ध्यान रखना. तो ए अब ये प्रोडक्ट में अलग अलग कर सकते हो. तो अगर ए स्क्वायर पूछे तो क्या कर सकते हो? ए इंटू ए. हाँ, है ना. ए क्यूब पूछे तो क्या करोगे? ए इंटू ए. बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर. इसी प्रॉपर्टी से मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर ए की पावर एन पूछे या फिर इसको मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन निकालो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखना. क्लियर है? यस सर. जैसे मानो कभी आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब का डिटरमिनेंट निकालो. क्या निकालो? ए क्यूब का डिटरमिनेंट. तो आप क्या ए को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे? यस सर. आप क्या करोगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लोगे और उसका जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या कर देना? क्यूब कर देना. आया ना? ये ज्यादा आसान है. यस सर. यस सर. ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट ए मान लो आपको दिया, पूछा ए क्यूब का डिटरमिनेंट बताओ, तो ए क्यूब का डिटरमिनेंट निकालने के बजाय आप क्या करो? ए का डिटरमिनेंट निकालो, क्योंकि डिटरमिनेंट एक सिंगल वैल्यू है ना. आया ना? यस सर. तो आप ए का डिटरमिनेंट निकालो, उसका होल क्यूब कर दो. क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी, ध्यान रखना. क्लियर है सबको? यस सर. पावर 4 पूछे, पावर 5 पूछे, तो आप क्या कर सकते हो? ये पावर n को बाहर निकाल सकते हो, उसका डिटरमिनेंट की पावर n निकालो या फिर a की पावर n का डिटरमिनेंट, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. क्या बात समझ में आ गई? यस सर. यस सर. ओके, तो ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टी लेकिन बहुत काम आएगी, इसलिए ध्यान रखना इन सब चीजों का. अब ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज करना. रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करना. क्या ट्रांसपोज हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं कि सबका निकाल सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स सबका. बोलो, जैसे मान लो मेरे पास ये दिया हुआ है 2, 3, 1, 5, 6, 4, ये कोई मैट्रिक्स है ए, क्या इसका ट्रांसपोज निकाल सकता हूँ मैं? यस सर. है ना, निकाल सकते हैं ना. तो इसका क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 5, 6, 4. तो ट्रांसपोज में था कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कैसा भी हो, हमको करना क्या है? रोस और कॉलम को आपस में इंटरचेंज. हाँ, है ना. बोलो. यस सर.
और इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत आसान होती है अगर आपको ध्यान हो। अगर मैं बोलूं a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, याद है क्या? यस सर। क्या होगा? b का ट्रांसपोज प्लस a का ट्रांसपोज। हाँ, ट्रांसपोज एडिशन में अलग अलग हो सकता है, हाँ है ना, और सब्सट्रैक्शन में भी ट्रांसपोज अलग अलग कर सकते हो, मतलब a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। प्रोडक्ट में अगर हो ए बी का होल ट्रांसपोज तो क्या होता था? ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हाँ उल्टा हो जाता था, पहले बी लिख देंगे फिर क्या लिख देंगे, इनटू ए ट्रांसपोज, हाँ है ना सर। यस सर। और ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये आ जाएगा, वापस वो मैट्रिक्स आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ये ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी है, कोई ये चार प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोर्ट अलग अलग हो जाएगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए आ जाएगा, कोई कांस्टेंट है तो वो भी बाहर निकाल सकते हो, प्रोडक्ट में बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा, हाँ है ना? ठीक है। यस सर। ठीक है, और सेम अगर प्रोडक्ट में तीन मैट्रिक्स हो ए बी सी तो वापिस उल्टा कर देना, सी बी ए कर देना। और पावर एन वाली भी प्रॉपर्टी की ए की पावर एन का ट्रांसपोज पूछे या ए ट्रांसपोज की पावर एन पूछे, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना। कहने का मतलब क्या है, आपको बोला ए की पावर एन का ट्रांसपोज निकालो, तो आप क्या कर सकते हो, ए का ट्रांसपोज निकालो उसकी पावर एन करो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्या बात समझ में आती है? मतलब पावर एन और ये अलग अलग हो सकते हैं, और प्रोडक्ट में आपको रिवर्स में चलना, अगर ए बी सी है तो फिर आप क्या लिखोगे, सी बी ए। बोलो क्लियर है? यस सर। ये सारी प्रॉपर्टी ध्यान रखना, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, वैसे प्रॉपर्टी दिमाग में रहेगी तो क्वेश्चन होते जाएंगे। चलो एक ट्राई करते हैं, ध्यान से देखो इसको, ये ट्रांसपोज का तो नहीं, वैसे एक क्वेश्चन अच्छा था इसलिए यहाँ पे ले लिया गया कि a square matrix p satisfy p square equal to i into p, ये दिया हुआ है, i minus p, sorry, i is an identity matrix, तो बोला गया if p की पावर n equal to 5i minus 8, तो n की वैल्यू क्या होगी, n की कौन सी पावर पे ये p की पावर n 5i minus 8p के बराबर होगा, सोचो जरा, p की किस पावर के लिए p की पावर n 5y माइनस 8p के बराबर होगा, आपको दिया हुआ p स्क्वायर, p की पावर n पूछा है, तो क्या करेंगे इसमें, देखो इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के लिए p स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो इसी का वापस एक और आगे वाली पावर निकालते हैं, जैसे मान लो p की पावर 4 निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि p की पावर 4 निकालना आसान है मेरे पास, हां है ना, p स्क्वायर को दो बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो। यस सर। इससे एक बार एक्सप्रेशन देखते हैं क्या आ रहा है, इससे अगर मान लो यही मिल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा i - p into i - p, हां है ना। यस सर। ये जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये हो जाएगा i स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, माइनस ऑफ पी माइनस ऑफ पी प्लस का पी स्क्वायर, क्लियर है सबको, आई स्क्वायर को वापस आई लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू पी प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह वापस क्या लिख दूंगा, आई माइनस पी, है ना, आ रहा है समझ में, तो कितना आ जाएगा, टू आई माइनस थ्री पी, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ये पी की पावर फोर आता है, इससे तो काम नहीं बना, अगला क्या निकाले, वेरी गुड, हाँ क्या बोला, पी की पावर सिक्स, वेरी गुड, पी की पावर सिक्स कैसे निकलेगा, पी पावर फोर इनटू पी की पावर टू, हाँ, p की पावर 4 में p स्क्वायर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ ऊपर निकाल लेते हैं, p की पावर 6 निकालने के लिए p की पावर 4 में p स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो p की पावर 4 कितना आया, 2i माइनस 3p आया ना, और p स्क्वायर कितना है, i माइनस p, इसका प्रोडक्ट करके देख लो, तो 2i आ जाएगा, 2i i के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2i * p होगा माइनस 2p, हो जाएगा माइनस का 3p और ये प्लस का 3p स्क्वायर, ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2i माइनस 3p प्लस 3p स्क्वायर, मतलब 3i माइनस p, तो ये 3i प्लस 2i कितना हो जाएगा, 5i, और यहाँ से कितना आएगा, चेक करना कैलकुलेशन सबसे, अच्छा सही 5 आएगा, सॉरी माइनस 2 माइनस 3, 5 माइनस 3 माइनस 8i आ जाएगा, 8p आ जाएगा, है ना। यस सर। आ गया सर। आ गया, तो 6 के लिए ट्रू कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, आ गया समझ में? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब इस ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से कुछ स्पेशल मैट्रिक्स और नाम दिए गए, एक होता था सिमेट्रिक और एक होता था स्क्यू सिमेट्रिक, तो बताओ इसके बारे में आपको याद हो तो। सर a इक्वल में a b माइनस a। सिमेट्रिक किसको बोलते थे ये बताओ? a के ट्रांसपोज इक्वल टू a। हाँ, किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो, क्या स्क्वायर होना जरूरी है? नो सर। सोच के बोलो।
हाँ यहाँ पे स्क्वायर होना जरूरी, ध्यान रखना। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर होना जरूरी ध्यान रखना। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स उसको सिमेट्रिक कब बोलेंगे, अगर उसका ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद वो खुद मैट्रिक्स वापिस आ गया तो क्या बोलेंगे इसको, बोलो सिमेट्रिक। हाँ है ना सर, ठीक है। तो पहला हो गया आपका सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक किसको बोलोगे, अगेन किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक हम बोलेंगे जब उसका ट्रांसपोज लेने पे वो खुद आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलेंगे, ट्रांसपोज लेने पे माइनस, वेरी गुड, उसका ट्रांसपोज लेने पे माइनस टाइम्स ए आ जाए तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वो खुद आ जाता है तो सिमेट्रिक, ट्रांसपोज लेने पे माइनस टाइम्स अगर आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा मैं बोलूं अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज करें किसी भी मैट्रिक्स को, अगर उसके कोई भी नॉर्मल मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स उसको मैं इसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दूं तो ये जो आएगा नया मैट्रिक्स ये क्या कोई स्पेशल मैट्रिक्स होगा क्या, नहीं होगा, नॉर्मल ही रहेगा। अगर किसी मैट्रिक्स कोई भी जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को जो मैट्रिक्स मिलेगा वो किस तरह का मैट्रिक्स होगा, याद है किसी को, सिमेट्रिक। हाँ वेरी गुड। कोई या कोई भी एग्जांपल लेके एक बार देख लेना भले खुद से, कोई भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करो, जैसे मान लो एग्जांपल ले ही लेते हैं, मान लो 2 7 9 8 ये एक मैट्रिक्स ले लिया, है ना, इसका ट्रांसपोज क्या होगा 2 7 9 8, इन दोनों को ऐड करो तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे 4 16, और 7 प्लस 9 और 7 प्लस 9 देखो ये दोनों सेम आएगा, है ना, बोलो yes, sir. हो गया। और सिमेट्रिक को पहचानने का एक और तरीका क्या था कि डायगोनल के अलावा ये जो एलिमेंट होते हैं ये सब कैसे होते हैं, इक्वल होंगे, है ना, सिमेट्रिक पहचान आता है, yes, sir. Yes, sir. जैसे ये -5 तो ये भी -5, ये 6 तो ये भी 6, ये 7 तो ये भी 7, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा उल्टे साइन के हो जाएंगे, अगर ये -5 तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 है तो -6 हो जाएगा, ये 7 है तो -7 हो जाएगा, है ना, यस सर। और अगर मान लो किसी मैट्रिक्स को उसके मैं ट्रांसपोज से सबस्ट्रैक्ट करूंगा तो कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। हां तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा, ध्यान रखना। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, जीरो जीरो, हाँ ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक के सारे डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं, क्लियर है, तभी उसका ए ट्रांसपोज लेने पे माइनस के आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नो सर, ठीक है। तो सारी पुरानी बातें रिकॉल करी जो आपकी क्लास 12th में थी बेसिक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे वो खुद आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 2 1 0 अगर ऐसा दिया हो तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 5, यहाँ -7 है तो यहाँ पे भी होगा -7, यहाँ 6 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 6, है ना, बोलो यस सर। मतलब कहने का मतलब ए आई जे वाले एलिमेंट और ए जे आई वाले एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और आई नॉट इक्वल टू जे बेसिकली, ठीक है, चलो बोलो यस सर। ये हो गया सिमेट्रिक, एक हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, और ये आपको पता ही होगा या प्रूव भी कर सकते हो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन आए, आपको जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि इसको ये चेक करो कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, चेक करो कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, तो क्या तरीका अपनाओगे, जैसे मान लो मैंने कोई भी लंबा थोड़ा मैट्रिक्स दिया ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इस टाइप से, और मैंने बोला बताओ ये सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है, चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। हाँ एक ही तरीका हमेशा याद रखना, एक ही यूनिवर्सल तरीका क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को जिसको चेक करने को बोले कि बताओ ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, उसका एक ही तरीका क्या है, उसका डायरेक्ट क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो, क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो, जितना भी लंबा चौड़ा मैट्रिक्स दिया उसको पूरे का क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो, और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो सी के बराबर आ जाए तो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और माइनस सी के बराबर आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, वो कुछ और ही आ गया, नया मैट्रिक्स आ गया तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, यस सर, ठीक है। तो कभी भी ये सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन आए चेक करने के लिए कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसको हमेशा एक ही तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसको आप ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज लेके सिंप्लीफाई करके देखो कि वो क्या आ रहा है फाइनल आंसर, ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन करा देता हूं मैं। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा किसी भी एक मैट्रिक्स को हम उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं, है ना, बोलो यस सर, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन भी थे, चलो एक ट्राई करते हैं पहले।
एक बेसिक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, बोला ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, गिवन क्या कंडीशन है, ध्यान से देखो कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पूछा क्या है, प्रूव करो ए बी माइनस बी ए जो होगा मैट्रिक्स वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, करो ट्राई, इसको आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, इसको सी मान लें, हाँ वेरी गुड, इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज, बहुत बढ़िया, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज कैसे ब्रेक होगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, वेरी गुड, ट्रांसपोज सब्ट्रैक्शन एडिशन में अलग अलग हो जाता है, तो इसके साथ ए बी का ट्रांसपोज आ जाएगा और माइनस बी ए का ट्रांसपोज, हाँ है ना सर, अब प्रोडक्ट में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यस सर, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, फर्स्ट टर्म का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, वेरी गुड, अब क्वेश्चन में बोला सिमेट्रिक है, सिमेट्री के मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के ट्रांसपोज, ए के, तो यहां पे बताओ क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख देंगे, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख देंगे, हां है ना, यस सर, यहां पे भी क्या लिख देंगे, ए बी, तो बेसिकली इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, ए बी माइनस बी ए, बोलो, यस सर, तो बेसिकली माइनस सी टाइम्स के बराबर आया, तो मतलब क्या होगा, तरीका यही है, बस ध्यान से करना, चलो ट्राई करो, मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, तो आपको बोला कि एक्स एंड वाई आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जेड जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसमें से कौन चार ऑप्शन आपको दिए हैं, इन चारों में से कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो चेक करना है, तो एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करो, एक्स जो और वाई ये स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है और जेड जो है वो सिमेट्रिक गिवन है, तो इनकी प्रॉपर्टी आपको पता ही है क्या होती है, आपको चेक करना है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक है, मल्टीपल चॉइस करेक्ट, करो ट्राई, एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करके बताओ कि कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शंस में लिख देता हूं, ए बी सी डी, सर ए और बी आ रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन ए स्क्यू सी एंड डी आ रहे हैं, देखते हैं, वापस क्रॉस चेक कर लो अपने अपने आंसर, से ए वाला तो सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक आ रहा है, ठीक है चेक कर लेते, तो ऑप्शन ए का ट्रांसपोज ले रहा हूं मैं, तो ट्रांसपोज लोगे तो अलग अलग हो जाएगा, और ट्रांसपोज में आपको पता है प्रोडक्ट अलग उल्टे हो जाते, जेड की पावर फोर का ट्रांसपोज है ना, यस सर, और वाई क्यूब का ट्रांसपोज सर सीडी है, और वाई क्यूब का ट्रांसपोज माइनस जेड की पावर इनटू जेड की पावर फोर का ट्रांसपोज, अब पावर और ये अलग अलग कर सकते हो, हाँ है ना, तो जेड ट्रांसपोज की जगह वापस क्या आ जाएगा, जेड, बोलो, यस सर, और वाई क्यूब ट्रांसपोज है, तो वाई ट्रांसपोज का होल क्यूब, वाई ट्रांसपोज की जगह क्या आएगा माइनस वाई, तो मतलब माइनस वाई का क्यूब, हाँ है ना, यहाँ पे वाई ट्रांसपोज का होल क्यूब, तो वापिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और जेड की पावर फोर अगेन पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, जेड की पावर फोर के इक्वल पहले ही आ गया एक एक, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ रहा है कि माइनस ए के बराबर आ रहा है, से ए के बराबर, ए के बराबर आ रहा है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। हाँ है ना, सबने ऐसे किया था सर, मेरा तो सी डी आया। चलो अब देखते हैं सबके आंसर क्या आ रहे हैं। सी डी आ रहा है ना, चैट बॉक्स में भी लिखा है कि मैं चेक कर लेता हूँ। V1 का ए सी आ रहा है, आधे बच्चे बोल रहे सी डी, और किसी का इसके अलावा ए सी और सी डी के अलावा बी डी आई, ऐसा कोई और आंसर आ रहा है किसी का? नो सर। कैलकुलेशन पक्का सही देख लिया आपने अपने अपनी? यस सर। ठीक है चलो अब करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है इसका। सी डी, हाँ सी डी आ रहा था सर। सी डी वेरी गुड, आपका सी डी आपका सही करेक्ट आंसर है। तो ये बस वही तरीका सिंपल जो एडवांस क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो ये पीएनसी को भी कभी कभी मिक्स कर देते हैं। हाँ है ना। यस सर। अब देखो पीएनसी का दो तीन है, अभी तक तीन से चार क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें से लगभग तीन बार तो मीडियम लेवल के क्वेश्चन था, एक दो बार बस उनका टफ क्वेश्चन आया, तो बहुत जो इसका लेवल बहुत टफ था। ठीक है चलो अब ये बेसिक क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो, लास्ट ईयर का मतलब इसी साल का 2023 अप्रैल का। अब देखो मैट्रिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको बोला जाता है बेसिक करके जाओ, बस अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ऐसा नहीं कि आपसे कुछ नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 जो इन एंट्री से बने, तो 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। सिमेट्रिक के लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है? ऑप्शंस आपके पास ये 10 डिजिट है, सोचो और बताओ क्या। सिमेट्री के लिए क्या ध्यान रखेंगे? बोलो, अगर मान लो यहाँ पे मैंने एलिमेंट भर दिया तो यहाँ पे भरने की जरूरत है क्या? नो सर। हाँ क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एलिमेंट फिल कर दिया ये तो अपना फिलअप हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने की। हाँ है ना। यस सर। तो मुझे सिर्फ किस किस को फिलअप करना है? इसको फिलअप करना है, इसको फिलअप करना है और इसको फिलअप करना है। हाँ है ना। बोलो, और ये तीन डायगनल को, बाकी तो ये तो इन्हें तो अपने आप फिलअप हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे जो भी एंट्री है वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी, तो इनके लिए अपन को तरीका ढूंढने की जरूरत है क्या? नो सर। मुझे तरीके किसके लिए ढूंढने? इन सब पोजीशन के लिए, 1 2 3 4 5 6 इन 6 पोजीशन के लिए मुझे तरीके देखने। हाँ है ना। यस सर। ये तीन अगर आप फिलअप हो गए तो ये तीन अपने आप फिलअप हो जाएगी, तो हर पोजीशन को भरने कितने तरीके हैं? सिर्फ 10। हाँ यहाँ पे मैं बस इन 6 पोजीशन का मुझे ध्यान रखना है, इन तीन येल्लो को और बाकी दो को, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 हर पोजीशन को भरने कितने तरीके? 10 तरीके। हाँ है ना सर। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 10 की पावर 6। आ गया समझ में? क्योंकि सिमेट्रिक बोला है ना, तो सिमेट्रिक जब भी बोला है तो देखो इनको आपको फिलअप करना है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है तो वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, इसको भरने अब इसका अपन काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 6 पोजीशन थी, 6 पोजीशन को भरने का कितना तरीका हो गया? 10 की पावर 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्वेश्चन में बोलता है स्क्यू सिमेट्रिक, तो बताओ क्या आंसर आता? अगर क्वेश्चन में बोलता कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो बताओ आंसर क्या आता? सोचो। सेम सर। सेम नहीं, 10 की पावर 3 क्या? जीरो कहां से आ जाएगा? इनसे क्या एक भी इसकी सिमेट्रिक नहीं बनेगा? नो सर। जीरो तो आई नहीं। 10 की पावर 6 कितना? 10 की पावर 6 10 की पावर 6 नहीं, 10 की पावर 3 9 की पावर 10 इसकी सिमेट्रिक कितना बनते है बताओ?
सर छह ही केसेस होते हैं सर, डायगोनल तो जीरो हो जाते हैं ना सर। हाँ ठीक है, चलो देखो वापिस दिमाग लगाओ, डायगोनल तो जीरो हो जाते हैं, हाँ है ना सर। अब मुझे कितनी पोजीशन को भरने की जरूरत है, क्या तीन पोजीशन को भरने की, छह पोजीशन भरने, क्योंकि देखो ये अगर फिलअप मान लो यहाँ पे फाइव आया तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑटोमेटिकली माइनस फाइव आएगा ना। यस सर। इसकी पोजीशन से ये पोजीशन तो फिक्स हो गई, इसके लिए मैं कुछ और ले सकता हूँ, इसकी तो एक ही तरीका होगा ना भरने का, बोलो। यस सर। इसका नंबर ऑफ तरीका क्या होगा, एक ही तरीका होगा भरने का। यहाँ पे मान लो कुछ एक नंबर आगे सेवन, इसकी यहाँ पे क्या आएगा माइनस सेवन, तो इसके इसको भी भरने का एक ही तरीका होगा, हाँ है ना। तो भरना सिर्फ क्या इन तीन पोजीशन को। यस सर। तीन पोजीशन को भरने कितने तरीके, 10 की पावर 3, आगे समझ में। तो इसकी सिमेट्रिक का था तो 10 की पावर 3, सिमेट्रिक है तो 10 की पावर 6, बोलो क्लियर है। यस सर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, 20 साल का क्वेश्चन है। ठीक है चलो आपका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड है, मतलब ये जो ऑर्डर लिखते हो 3x3 या फिर 5x5, इसका ऑर्डर है तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा कितना होगा, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखना, क्लियर है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड का डिटरमिनेंट कितना होता है, जीरो होता है, क्लियर है सबको। एग्जांपल लेके उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, जीरो। इस प्रॉपर्टी को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में यूज किया गया है, इसलिए इसको दिमाग में रखना, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड इज जीरो, क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। तो देखो बच्चों आज के लेक्चर में अपन ने एक बार मैं वापस रिकैप करा देता हूं क्या क्या अपन ने देख लिया। स्टार्टिंग में जब मैं आपको पहला जो पॉइंट था कहाँ पे क्या इंडेक्स, वो सारा पढ़ लिया अपन ने आज। हाँ ये रहा, एक तो मैट्रिक्स क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ लिया क्या क्या टाइप्स होते हैं, एलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। फिर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में आपस में जो प्रॉपर्टीज होती है रिलेशन वो देख लिया, ट्रांसपोज और उसकी प्रॉपर्टी देख ली, और इसके बेसिस पे जो स्पेशल मैट्रिक्स थे वो हमने देख लिया। क्या बात समझ में आई आपको यहाँ तक? यस सर। ठीक है, आज के लिए रखेंगे, इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप ट्राई कर लेना। अगली क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम पढ़ेंगे थोड़े और स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, फिर एडजॉइन, उसका इनवर्स और लीनियर इक्वेशन, क्लियर है। हाँ बोलो बोलो। फिर मैट्रिक्स के भी ज्यादा क्वेश्चन में देना है कि एक साथ तीन तीन चैप्टर कवर नहीं हो पाएंगे? हाँ कोई बात नहीं, थोड़े ही क्वेश्चन दूंगा, डोंट वरी, 30 क्वेश्चन तो कर पाओगे कम से कम। यस सर। तो 30 क्वेश्चन ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, 30 से 40 क्वेश्चन या फिर 30 से भी कम, उनको आप ट्राई कर लेना, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एडजॉइन और उसके इनवर्स और लीनियर इक्वेशन इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। क्या है, समझ में आ गया सर? स्लाइड ग्रुप में भेज देना सर। हाँ भी भेज दूंगा, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय सर, बाय सर।